हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्री मैच्योर ग्रीइंग के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर उम्र होने के पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये प्री मैच्योर ग्रीइंग की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है और काफ़ी यंग लोगों में, जैसे कि 10 साल के 15 साल के बच्चों में भी ये सफ़ेद बालों की शिकायत हमें दिख रही है। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए या क्या प्रिवेंटिव मेजर आपको लेने चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी सफ़ेद बालों की समस्या है तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए। बाल सफ़ेद होना ये एक नेचुरल चीज़ है, बट तभी होना चाहिए जब हमारा एज होता है। सो जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, जैसे कि 45-50 के बाद धीरे धीरे बाल ये सफ़ेद होने लग जाते हैं। बट बहुत सारे लोगों को बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं। सो ये जो बालों का कलर है वो हमें कैसे मिलता है वो जान लेते हैं। सो हमारे स्किन के अंदर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है और ये मेलानिन हमें हमारे स्किन, हमारे बाल और हमारे आईज़ का कलर देता है। ये जो मेलानिन बनाते हैं उन सेल्स को मेलानोसाइट्स बोलते हैं। सो ये जब मेलानोसाइट्स अफेक्ट होते हैं या अपना काम करना कम कर देते हैं या कुछ भी डिस्टर्बेंस अगर ये मेलानोसाइट्स में होता है तब ये मेलानिन प्रोडक्शन हैम्पर होता है। तो वही चीज़ें हम देखेंगे कि ये मेलानोसाइट कहाँ कहाँ पे अफेक्ट होता है और उसके कारण ये ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सबसे पहला है जेनेटिक। सो अगर आपके फैमिली में किसी को सफ़ेद बालों की समस्या है या प्री मैच्योर ग्रेइंग, एज के पहले उनके बाल सफ़ेद हुए हैं, तो आपको भी ये समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर जेनेटिक ये कारण है तभी भी आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें भी मेलानोसाइट जेनेटिकली थोड़े अफेक्टेड रहते हैं और ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस की वजह से वैसे तो काफ़ी बीमारियाँ हमारे शरीर में होती है। तो स्ट्रेस में क्या होता है, कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा सेल्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं, तो मेलानोसाइट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं और ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स है उनकी कमी के कारण ये प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन एंड कॉपर। तो इनकी कमी के कारण बहुत सारे लोगों को ये प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है। बट इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है वो है कॉपर। सो कॉपर ये मेलानिन प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो हमारे शरीर में टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और ये टायरोसिनेज के सिंथेसिस के लिए, टायरोसिनेज को बनाने के लिए हमें कॉपर ज़रूरी होता है। इसीलिए कॉपर जो है वो डायरेक्टली मेलानिन प्रोडक्शन में या मेलानोसाइट्स के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। सो अगर आपको कॉपर डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा विटामिन डी, B12, आयरन ये भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको भी ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो आप ये ब्लड टेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम जान लेते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। सो प्री मैच्योर ग्रेइंग में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बाल वाइट हुए हैं या ग्रे हुए हैं उनको कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो है प्रिवेंटिव, मतलब इसके आगे और आपके बाल वाइट ना हो। काफ़ी बार अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ये कारण है तो आप कुछ मात्रा में ग्रेइंग को रिवर्स कर सकते हो, बट ये शायद कम्प्लीटली रिवर्स नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारा एज होता है वैसे वैसे बाल सफ़ेद होते हैं, इसको मेलानोजेनिक क्लॉक बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो मेलानोसाइट्स है उनका फंक्शन कम हो जाता है और वो मेलानिन प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं, इसीलिए ओल्ड एज में बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। फिर अगर आपको जेनेटिक इशू है तो जेनेटिक में भी बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो बहुत ही अर्ली स्टेज में ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सको। अगर आपने शुरू में ही कुछ नोटिस किया है कि बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं तो आप इमीडिएटली ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें आप जेनेटिक अगर कॉज है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा जो है वो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है वो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पता है कि आपको जेनेटिक इशू नहीं है या कुछ डेफिशिएंसी भी नहीं है तो फिर स्ट्रेस रीज़न हो सकता है।
और स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो। फिर तीसरा जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी में आपको फिर ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि आपको विटामिन डी, B12, आयरन की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो जो फूड में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। काफ़ी लोगों को विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी होती है, उस केस में आप सप्लीमेंट्स ज़रूर ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आयरन लेवल कम होता है, और उनको भी सफ़ेद बालों की समस्या होती है। तो थायराइड वाले पेशेंट में भी आपको आयरन रिच फूड लेना ज़रूरी होता है, या फिर आपका आयरन लेवल मेंटेन करना। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिफिशियंसी है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। फिर कॉपर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है ये ग्रीन में, उसके लिए आप कॉपर रिच फूड ले सकते हो। क्योंकि कॉपर के सप्लीमेंट्स लेना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या मैं बिल्कुल उसको रेकमेंड नहीं करूँगी, बट आप कॉपर रिच फूड ज़रूर ले सकते हो। और जो जो फूड में कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है वो है डार्क चॉकलेट, मशरूम्स, सी फूड, इसमें कॉपर की मात्रा होती है। जो मशरूम्स होते हैं उसमें कॉपर भी होता है और टायरोसिनेजी एंजाइम भी होता है, जो एक्चुअली मेलानिन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आप करिए। उसके अलावा आप कॉपर वेसल में पानी भी पी सकते हो। तो आपके घर में कुछ भी कॉपर का बर्तन है तो उसमें आप ओवरनाइट पानी रखिए और अगले दिन उसको पी लीजिए, ताकि जो कॉपर बर्तन का जो कॉपर है वो पानी में उतर जाता है और हमारे शरीर को ये कॉपर मिलता है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो जो बिल्कुल भी आसान है। देन आखिर में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है प्री मैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करने के लिए। और ज़्यादा ये प्रॉब्लम ना बढ़े इसके लिए आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करिए। और फिर इसके बाद मैं आपको एक ऑयल बताऊँगी जो आप घर पे बना सकते हो और रेगुलरली स्कैल्प पे लगा सकते हो, ताकि ये जो प्री मैच्योर ग्रेइंग या सफ़ेद बालों की समस्या है उसको आप प्रिवेंट कर सको। तो इसके लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है, और वो है मेथी पाउडर, विटामिन ई कैप्सूल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल बनाना कैसा है, आपको 2 चम्मच मेथी पाउडर लेना है, फिर 5 विटामिन ई कैप्सूल लेने हैं, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है। इसमें सारी चीज़ें, कोकोनट ऑयल में सारी चीज़ें मिक्स करनी है अच्छे से, और ये ऑयल आप रेगुलरली आपके स्कैल्प में लगा सकते हो। तो अगर यूजुअली हफ्ते में 2 बार आप हेयर वॉश करते हो तो उसके पहले 2 से 4 घंटे ये ऑयल आप आपके स्कैल्प पे रखिए, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो इससे भी आप प्री मैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट कर सकते हो। बट ये सिर्फ ऑयल आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको डाइट न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है, स्ट्रेस को कम करना है, और फिर उसी के साथ आप ये ऑयल भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप प्री मैच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।